2022 गोवा विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां खुद को मजबूत करने में लगी हुई हैं और गोवा की कुर्सी हथियाने के लिए सभी पार्टियां जोरों से प्रचार प्रसार में भी लगी हुई हैं। बीजेपी, टीएमसी, आप लगभग सभी राजनीतिक दल गोवा के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 2017 के गोवा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि 13 सीटें जीतने वाली भाजपा ने तटीय राज्य में सरकार बनाने के लिए कुछ क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में करके सरकार बना ली। 2017 के राज्य विधानसभा चुनावों के बाद से कई कांग्रेस विधायकों ने एक के बाद एक कर पार्टी छोड़ दी और भाजपा और दूसरी पार्टियों में शामिल होते चले गए। गोवा में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका जुलाई 2019 में लगा, जब उसके 10 विधायकों के एक समूह ने तत्कालीन विपक्ष के नेता चंद्रकांत कावलेकर के नेतृत्व में पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। कुछ दिनों पहले गोवा के पूर्व सीएम लुई जिन्हो फलेरियो ने कांग्रेस छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया था और अब एक और पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। गोवा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता रवि नाइक ने मंगलवार यानी आज राज्य विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वह पोंडा सीट से विधायक बने थे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर को त्याग पत्र सौंपा। नाइक के त्याग पत्र देने के बाद 40 सदस्यीय विधानसभा में अब कुल 37 विधायक ही बचे हैं। इनमें कांग्रेस के सिर्फ 3 शेष रह गए हैं। दावा किया जा रहा है कि नाइक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि नाइक की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। नाइक ने अपना इस्तीफा सौंपने के बाद कहा, मैंने इस्तीफा दे दिया है, अपने अगले कदम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। रवि नाइक के छोटे बेटे रॉय नाइक ने कहा कि उन्होंने अपने पिता से भाजपा में शामिल होने का अनुरोध किया है। यानी गोवा में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। टीएमसी हो या बीजेपी, दोनों ही दल कांग्रेस में सेंधमारी की कोशिश में जुटे हुए हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।